अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएसएसपी मिस टाइम्स ऑनलाइन कोचिंग। 2023 का करंट अफेयर्स का हमारा ये फिफ्थ टॉपिक है, जिसमें अब हम डिस्कस करते हैं चाइना के बारे में। इसमें डिस्कशन है, डिस्कस दी प्रोजेक्ट आइडिया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक, which is the great leap forward of economic regionalization in the globalized world. Explain its potential advantages, challenges and future prospects. इसमें सीपैक का प्रोजेक्ट डिस्कस करना है, जिसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड वो कैसे है, इकोनॉमिक रीजनलाइजेशन कैसे है इन द वर्ल्ड, इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, और इसमें इसकी पोटेंशियल एडवांटेजेस, चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बताने हैं। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज़ अ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है डेवलपमेंट के हिसाब से पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए, और ये रीजनल कनेक्टिविटी है इन दोनों कंट्रीज़ की। द प्रोजेक्ट विच हैज़ लॉन्च इन ये 2023 में लॉन्च हुआ था, इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ हाईवेज। ये जो प्रोजेक्ट है उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क ऑफ हाईवेज रेलवेज पाइपलाइंस कनेक्टिंग ग्वादर पोर्ट से कनेक्टेड है पाकिस्तान से टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट रीजन और चाइना से। वन ऑफ़ दी मेन एडवांटेजेस ऑफ दी सीपैक का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मेन एडवांटेज कहा जाए वो इट्स पोटेंशियल टू बूस्ट, इसका मेन जो है वो इकनॉमी को बूस्ट करना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को एंड डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में इसकी डेवलप पाकिस्तान को डेवलप भी करना इसका मेन पर्पज़ है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू इकोनॉमिक जोन्स बनाना, टू क्रिएट जॉब्स एंड स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, हेल्प टू लिफ्ट मिलियंस ऑफ पीपल्स आउट ऑफ पॉवर्टी को डिक्रीज करना और जॉब्स को क्रिएट करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना, ये इसका मेन पर्पज़ है। द प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। पाकिस्तान के लिए तो इसकी लिफ्टिंग करना है, प्रोजेक्ट इकोनॉमी का लिफ्ट करना है, एनर्जी इन चीज़ों पर गौर करना है, लेकिन ट्रेड और रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी ये चाइना का प्रोस्पेक्ट है सीपैक में। Making it easier for goods and services to follow between China and Pakistan. China और Pakistan के through इसको services और goods provide करने all over the country, the other countries में और most of South Asian region में। However, the CPEC project also faces a number of challenges. बहुत question के key points को slow solve करते जा रहे हैं, जैसे हमने ऊपर इसकी CPEC कैसे बना, क्या था इसमें, और अब प्रोजेक्ट में क्या है, वो कैसे बूस्ट करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं चैलेंजेस की तरफ। द चैलेंजेस बहुत सारे थे, वन ऑफ द मेन चैलेंज जो था वो सिक्योरिटी सिचुएशंस का था पाकिस्तान में, विच हैज़ बीन टारगेटेड ऑफ न्यूमरस एक्ट्स अटैक्स बाय टेररिस्ट ने अटैक किया, दहशतगर्दी जिसे कहा जाए, दहशतगर्दों ने बहुत ज़्यादा अटैक्स किए बलोचिस्तान के साइड से। द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो भी उसमें वर्कर्स काम कर रहे थे उनको उनकी जानों का नुकसान हुआ, एज वेल एज द सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसका, और इस मेजर कंसर्न, ये बहुत ज़्यादा मेजर बहुत बड़ा कंसर्न है इसमें। और आफ्टर अनदर चैलेंज जो उसमें सीपैक को फेस करना पड़ा इज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी जो पाकिस्तान में, द कंट्री हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल की बहुत बड़ी हिस्ट्री है जो पाकिस्तान ने फेस की, एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, और देर इज़ अ रिस्क दैट दीज इश्यूज़ को डिस्टर्ब द प्रोग्रेस ऑफ सीपैक प्रोजेक्ट। ये इसके मेन चैलेंजेस जो थे, पहले सिक्योरिटी का चैलेंज, फिर पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी,
इसके बाद डिस्पाइट दीज चैलेंजेस द फ्यूचर ऑफ प्रोस्पेक्ट्स फॉर सीपैक आर पॉजिटिव। कभी कभार ये जो पॉजिटिविटी होती है और पॉजिटिविटी एक साइड पे और दूसरी तरफ पे नेगेटिविटी, तो नेगेटिविटी थी अब पॉजिटिविटी भी आई है। द प्रोजेक्ट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमीज ऑफ बोथ चाइना एंड पाकिस्तान। चाइना और पाकिस्तान की ये पॉजिटिव सीपैक में इनको मिला है कि इन दोनों की इकनॉमी बूस्ट हुई है बहुत ज़्यादा, एज वेल एज़ बूस्टिंग रीजनल ट्रेड भी, रीजनल ट्रेड जो है वो भी ज़्यादा बूस्ट हुआ है और कनेक्टिविटी बढ़ी है। द प्रोजेक्ट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द वाइडर रीजन। ये जो प्रोजेक्ट है बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे रीजन को फ़ायदा दे सकता है, एज़ अदर कंट्रीज़ इन साउथ एशिया, जैसे दूसरी कंट्रीज़ है साउथ एशिया में एंड बियॉन्ड आर लाइकली टू बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज ट्रेड। जैसे ही ट्रेड इंक्रीज़ होगा ट्रेड, तो ये बेनिफिट दूसरी कंट्रीज़ को भी होगा एंड इन्वेस्ट फॉलोज एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें जब जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट होती जाएगी तो ये प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जाएगा रीजनल बेसिस पे। At the end, in conclusion, the China-Pakistan Economic Corridor CPEC is a major infrastructure and development project aimed by at boosting economic growth and development in Pakistan and the wider region. ये जो था इंफ्रास्ट्रक्चर CPEC का, ये बढ़ाता है हमारी इकनॉमिक पाकिस्तान और चाइना की इकॉनमी को, और इनकी ये प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट की एम ही यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो वाइडर रीजन पे और पाकिस्तान की। द प्रोजेक्ट हैज़ एम पोटेंशियल टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स। इस प्रोजेक्ट में इतनी खूबी है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है, इंक्लूडिंग जैसे इंक्रीज इन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट फ्लोज, बट इट इज़ ऑल्सो फेस, इसने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस किए हैं जैसे सिक्योरिटी का, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। और डिस्पाइट दीज चैलेंजेस द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर सीपैक प्रोजेक्ट आर पॉजिटिव। आगे चल के ये पॉजिटिव वे में भी गए हैं एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले अ मेजर रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमीज ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान। और दूसरे मेजर रोल में इसने ये प्ले किया है कि ट्रांसफॉर्म कर रहा है ये इकोनॉमीज को चाइना की और पाकिस्तान की भी। दैट्स ऑल। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।